नमस्कार दर्शकों, मैं रितिका, टैरो कार्ड रीडर एंड एंजल्स हीलर, टैरो डिवाइन डोर ऑफ होप से आप सभी के लिए जून महीने का राशिफल लेकर आई हूँ। अब हम कन्या राशि के बारे में बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा जाने वाला है। रिलेशनशिप में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है, पैसे के मामले में भी थोड़ा उतार चढ़ाव है, चीज़ें आप जगल कर रहे हैं, कुछ हो सकता है दो प्रोजेक्ट्स के बीच में भी जगल कर रहे हों, दो चीज़ों के बीच में, लेकिन दिख रहा है कि चीज़ें बेहतर होने ही वाली हैं। जिसमें जगलिंग थी, जिसमें परेशानी थी, सब हटने वाली हैं। घर में कोई कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, घर में कोई खुशहाली आने वाली है। कन्या राशि वालों, आपका लग रहा है अगर आप शादी का सोच रहे थे तो शादी के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। आगे दिख रहा है आप अपने पुराने लोगों से मिलने वाले हैं जून के महीने में, जिनसे काफ़ी सालों से मुलाकात नहीं हुई है, तो कर लीजिएगा, जून का महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। और दिख रहा है पुरानी यादों को ताज़ा, पुरानी यादों के बारे में सोचेंगे बहुत ज़्यादा इस महीने में आप लोग। सिक्स ऑफ कप्स कह रहे हैं इमोशनली आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं पुरानी चीज़ों को याद करके, तो कोई बात नहीं, पुरानी चीज़ों को याद करने में कोई हर्ज तो होता नहीं है। आगे दिख रहा है कि आप को कहीं पे अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, कहीं सोच रहे हैं, तो ये महीना काफ़ी अच्छा है लग रहा है। या तो कार से ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि आप गाड़ी से कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हैं, तो चीज़ें बनती भी नज़र आ रही हैं। घर से थोड़ा दूर ही जाएंगे, ज़्यादा दूर तो नहीं दिख रहा है। और आगे आपके काम में बहुत अच्छा दिख रहा है कन्या राशि वालों। जून का महीने में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत पावरफुल रहने वाले हैं, अच्छी पोजीशन पे रहने वाले हैं अपने काम में। ऐसा भी लग रहा है कि चारों चीज़ें, जिसे कहते हैं ना, कम्युनिकेशन भी, इमोशंस भी, हर चीज़ आपके कंट्रोल में रहेंगी, पैसा भी, पैशन भी, जो भी चीज़ आप करेंगे खूब पैशन से करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं आपके लिए। काफ़ी पावरफुल दिख रहे हैं आप इस महीने में मुझे। जो भी चीज़ें करें थोड़ा सा सोच समझ के करें, क्योंकि फूल भी तो आ ही गया है ना, फूल कार्ड भी तो आ ही गया है यहाँ पर। थोड़ा सा सोच समझ के करें, बिंदास तो रहना ज़रूरी ही होता है ज़िंदगी में, लेकिन थोड़ा सा ये भी समझ होनी चाहिए कि कहाँ से हम गिर सकते हैं, थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। काम के साथ आप बहुत लॉयल्टी तो करते ही हैं, इसीलिए आप एक अच्छी पोजीशन पे भी नहीं हैं, तो हो सकते हैं कोई प्रमोशन या कोई भी ऐसी चीज़ दिख रही है कि काफ़ी आपकी अच्छी पोजीशन आपको मिलने वाली है। अगर आप किसी न्यूज़ के बारे में वेट कर रहे हैं तो इस महीने में वो न्यूज़ आने वाली है, आपके काम से रिलेटेड ही दिख रही है मुझे। और अच्छी पोजीशन को आप अपने कम्युनिकेशन से पा सकते हैं, अगर आपका कोई इंटरव्यू है या कोई आपको अच्छा कुछ नया काम मिलने वाला है, तो आप थोड़ा सा अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, आपके शब्द आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं आपको खुद भी नहीं अभी अंदाज़ा है। आगे देखते हैं एंजल्स क्या कह रही हैं। एंजल्स कह रही हैं नो नीड टू वरी, अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ है बेहतर हो जाएगी समय के साथ में। थोड़ा सा एंजल्स ये भी कह रही हैं कि थोड़ा कम्युनिकेट, थोड़ा क्लियर कीजिए, अभी क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन तो मुझे आपका वैसे भी दिख रहा है कि आपके कम्युनिकेशन से तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं इस महीने में। और हेल्थ काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी इस बारी जून के महीने में, आप थोड़ा सा अपना फोकस रहने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी आप अपने हेल्थ रिलेटेड जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो ये जून के महीने से शुरू कर दीजिए। अब आगे समय काफ़ी अच्छा आने वाला है आपके लिए। थोड़ा सा आपके कमिटमेंट्स की भी टेस्टिंग चल रही है, हिम्मत मत हारिएगा, ये सब तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में। आप जिनके लिए परेशान हैं वो सभी लोग सेफ हैं, ऐसा मोनोलॉजी कार्ड्स कह रहे हैं। और आपकी तरफ ही लक भी आपकी साइड ही है, इसलिए केवल थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। जो जो चीज़ें परेशानी देती हैं थोड़ा सा उनके बारे में कम सोचिए, ओवरथिंकिंग मत करिए इस महीने में। आगे बहुत ही पैसा दिख रहा है, मोनोलॉजी कार्ड्स कह रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी दिख रही है आगे बहुत। सो आप थोड़ा सा मेहनत करिए, हिम्मत करिए, और घूमने फिरने के लिए, ये यात्रा करने के लिए ये कन्या राशि वालों, आपके लिए जून का महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब देखते हैं साईं आपको क्या कहना चाहते हैं। साईं कह रहे हैं इन सर्विंग अदर्स यू सर्व मी, अब दूसरों पे ध्यान देने में, दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को सर्व करने में आप एक्चुअली साईं को सर्व कर रहे हैं।
तो आप इस महीने में कोशिश करिए कि किसी को ये अपना नियम बना लीजिए कि हम किसी गरीब को खाना खिलाएंगे या किसी गरीब की मदद करेंगे, तो इन रिटर्न आप साईं को भी सब कुछ पे कर रहे हैं इन चीज़ों के दौरान, सो इन चीज़ों के माध्यम से। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे आप मेरे को पर्सनल सेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।